नमस्ते, यूपी तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उसी पुराने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में। यहाँ तो ऐसा है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, जैसे जैसे मामला सामने आ रहा है वैसे वैसे और चीज़ें गहरी होती जा रही। लेकिन ये तो सच है कि इस मामले ने प्रदेश सरकार के तमाम दावों को आईना दिखा दिया है इस भर्ती के रिजल्ट ने। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला कब से लटका चला आ रहा है, 2018 से। अब अगर रिजल्ट आए तो उसमें और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार के नए नए उदाहरण, नए नए नमूने, नई नई मिसालें। कैसे अर्चना तिवारी, जब रिजल्ट आया लोग चौंक गए, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आई तो उसमें लोगों ने देखा कि अर्चना तिवारी नाम की एक महिला वो ओबीसी कैटेगरी में है। इस पर फिर चर्चा हुई और बातों का खुलासा हुआ। अर्चना तिवारी ने दावा किया कि वो गुसाई हैं, आजमगढ़ के एक गाँव की रहने वाली हैं। उनका कहना गुसाई हैं और गुसाई हमेशा ओबीसी में आते हैं। दूसरा मामला रिजल्ट आने के ठीक बाद ये सामने आया कि कुछ खास परिवार के लोग, खास करके प्रयागराज के संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती का तो संगम है लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार और अपराधियों और अफसरों की मिलीभगत का संगम, ये तो ज़बरदस्त है। एक साहब, मैं तो नाम लेके कहता हूँ, गोरख सिंह का परिवार है, उनके परिवार के सारे लोग 150 में से 142-147 नंबर लेकर आए। एक कोई तिवारी जी के बच्चे हैं, उनके परिवार के लोगों के ऐसे 142-146-147 नंबर हैं। इसी तरह एक सिंह साहब हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो ये आखिर कौन सा ऐसा उनकी प्रतिभा की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। बहुत सारे छात्रों ने हमें ये सुझाव दिए हैं और ये बताया है कि आज तक उन लोगों को यूपी तक खोजे, लेकिन असल बात यह है कि अधिकतर लोगों के नंबर मिल नहीं रहे और उनके एड्रेस अगर पता चल जाए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों के जिनको 142-147 नंबर आए हैं, उनमें से एक महेंद्र हैं, उनसे जब लोगों ने पूछा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है तो उनको पता नहीं था। योगी जी, सोच लीजिए, क्योंकि आम जनता जो सवाल आपसे नहीं पूछ सकती है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो सवाल आपसे पूछें। तो हम आपसे यही सवाल पूछते हैं, आपके तो खैर बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके मंत्रियों के जिनके बच्चे हैं, क्या ऐसे शिक्षकों से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहेंगे? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इस पर रोक लगाने की चुनौती, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल जज बेंच के फैसले को चुनौती दी है और इस विशेष अपील को 9 जून के लिए यानी मंगलवार के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनका कहना है कि उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, इसलिए जो बीटी है उनका इस्तेमाल, उनका उस पर अमल करना वो ज़िला बांटने के साथ अभी नहीं किया जाए, जबकि जब ज़िले बांटे जाएं उस समय उनका आवंटन किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी के लोग हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप अगर हमारी बात नहीं उठाएंगे, सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा? तो ऐसे ही मैं एक दो और लोगों की बात यहां पर उठाना चाहता हूं, जो लोग परेशान हैं और उनका ये कहना है कि उनके साथ भेदभाव है और ऐसे में उनका भेदभाव कैसे दूर हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, इस 69,000 की भर्ती ने बहुत सारी पोल खोल के रख दी है सरकारी व्यवस्था की। तो ऐसे में क्यों ना एक हफ्ते का वक्त उन लोगों को दिया जाए जो अपनी समस्याएं सरकार को बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी के बड़े मोड़ का सवाल है। और ऐसे में अगर उनको ये सुविधाएं सरकार नहीं दे पाएगी तो शायद उनको ज़िंदगी भर उनकी मेहनत पानी हो जाएगी। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्होंने ट्विटर हैंडल चलाया है आरक्षण बचाओ, और उनका ये कहना है कि उनके साथ, उन्होंने लिखा है कि MRC गलत नहीं है, BT गलत नहीं है, लेकिन ये उस समय जब ज़िलों का आवंटन हो उस समय उनको लगाई जानी चाहिए। अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये तो मुझे भी इसका मतलब नहीं मालूम, और इनसे मैंने कहा भी है, कोई रमसा हैं जिनको मैंने बोला है कि आप ये बताएं कि भाई इनका मतलब क्या है। और लगातार ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि उनके साथ किसी का मोबाइल नंबर गलत लिख दिया है, किसी के पूर्णांक और गुणांक को लेकर है। एक तो ये यूपी में बड़ा झमेला है, गुणांक, पूर्णांक, प्राप्तांक और भारांक, ये इतने तरह के अंक कर दिए हैं, इसको अगर एकांकी कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसमें ये भी कि बहुत सारे लोग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लेकर पास कराने का ठेका ले रहे थे, वो भी संगम नगरी में, राजनीति से जुड़े हुए लोग। क्या सरकार को अपने गिरेबान में झांक कर देखना नहीं चाहिए? जिस पार्टी की बड़ी तारीफ करते हैं ये सारे लोग और ये कहते हैं पार्टी के नेता कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है,
तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की भी पार्टी हो सकती है। अगर शिक्षक जो गुरु पद पर है उसकी भर्ती में इतने सारे भ्रष्टाचार हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं वो नई पीढ़ी को कहां लेकर जाएंगे। और इसमें कई परीक्षार्थी अभ्यर्थी ये हैं, वो कहते हैं कि यहां से सवर्णों को निकालो, यहां से पिछड़ों को निकालो। अगर उनमें अभी ये भावना, ये जहर भरा हुआ है, तो वो जब क्लास में बच्चों को देखेंगे तो बच्चों की प्रतिभा के मुताबिक उनको पढ़ाएंगे या फिर सरनेम के मुताबिक पढ़ाएंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें अभी से बच्चों के मन में भरी हुई हैं तो शिक्षक क्या करेगा? जब वो कॉपी देखेगा तो ये नहीं देखेगा कि बच्चे ने क्या लिखा है, वो ये देखेगा कि सरनेम क्या है। इन सारी चीज़ों को बचाइए, और ये बचाने की जिम्मेदारी समाज की, हमारी, आपकी, सबकी है, और सरकार की ज़्यादा है क्योंकि हमने सरकार को अपनी बहुत सारी जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे जो हमें यहाँ तक अपनी चीज़ें बता रहे हैं वो शायद आगे सरकार तक हमें चीज़ें बताएं, ताकि जो उनकी परेशानी है उसे दूर किया जाए और इसको एक अच्छे माहौल में, इसका रिजल्ट ऐसा आए कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए समतल धरातल मिले, विकास करने के लिए चौड़ी सड़क मिले, ना कि उनके लिए रोड़े अटकाए। नमस्ते।